राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक हो गए। मैं कार्तिक पुनीत स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कार्तिक पुनीत पे। आज की हमारी ये जो वीडियो होने वाली है, ये हमारी वीडियो जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज के हम अपने इस वीडियो में SBI ATM के 3 बड़े अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी के लिए जानना। अगर आप SBI बैंक के यूज़र हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको वीडियो से जुड़ी सारी जानकारियाँ मिल जाए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को हम करते हैं शुरू। और अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम करते हैं वीडियो को अपनी शुरू। तो दोस्तों क्या है ना कि हम सभी का SBI बैंक में जिनका भी अकाउंट होता है, किसी भी बैंक में अकाउंट होता है, तो उन्हें ये नहीं पता होता, मुझे ही ये नहीं पता होता कि हम सबको वैसे नहीं पता होता कि हमारे अकाउंट में एग्जैक्ट कितने पैसे हैं। जैसे कि हमारे ऐसे होता है कि हाँ 1000 कुछ 100 ऐसे कुछ रुपए हैं, ऐसे हमारा एक अंदाज़ा होता है कि हाँ इतने पैसे होंगे। बट अभी यहाँ पे ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही गलत होने वाली है, क्योंकि SBI बैंक ने जो अपडेट किया ना ऑफिशियली, उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके बैंक में, जैसे कि मान लो आपके बैंक में 2000 रुपए हैं और आप गए SBI बैंक के अकाउंट या किसी भी बैंक के ATM में गए, तो वहाँ से आपने विड्रॉ करना चाहे 3000 रुपये, आपके बैंक में 2000 है बट आप 3000 रुपये विड्रॉ कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा ना कि आपको विड्रॉ तो नहीं होगा और आपका होगा ये कि उस बैंक पे, उस ट्रांजैक्शन पे आपका 20 रुपये और प्लस GST कट जाएगा। आपने कुछ भी नहीं किया वहाँ पे, आपने गलत रकम भरी क्योंकि आपको पता नहीं था कि आपके बैंक में कितने अकाउंट, मतलब सॉरी आपके अकाउंट में कितने बैलेंस थे, इस वजह से आपका वहाँ पे 20 रुपये प्लस GST कट जाएगा। अगर आपके अकाउंट में, एक बार मैं बता देता हूँ, अगर आपके अकाउंट में 2000 रुपये हैं और आप 3000 रुपये निकाल रहे हो, तो इसमें ऐसा होगा कि 3000 तो है नहीं बट आपके अकाउंट से 20 रुपये प्लस GST 2-4 रुपये जो भी होंगे वो काट लिए जाएंगे SBI बैंक के द्वारा, ठीक है, तो काट लिए जाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, दूसरी क्या है ये चीज़ें ऑनलाइन में भी वो है, अप्लाई की गई है कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो किसी भी चीज़ को लेके, कहीं पे भी बिल पे करते हो या कुछ भी करते हो, और आपने अपने अकाउंट से ज़्यादा रकम भर दी तो आपके अकाउंट में उतने पैसे हुए भी नहीं, तो आपके यहाँ पे फिर से उसी तरह से 20 रुपये प्लस GST काट लिए जाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो, तीसरे में ये है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो तो इसमें भी आपको वही कंडीशन मिलेगी कि आपके 20 रुपये प्लस GST काट लिए जाएंगे। तो ऐसे में करना क्या होगा यार हमें, कि हमें अपने अकाउंट में कितना बैलेंस है पहले तो हमें चेक करना होगा, उसके बाद हम कितना निकालना है तो वो निकालेंगे। अगर हमने बिना चेक किए हुए निकाला तो हमारे अकाउंट से 20 रुपये प्लस GST कट जाएगा और हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये गलती हमारी है और इसमें इन्होंने पहले ही ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है SBI बैंक वालों ने। तो ऐसे में हमें यही एक करना पड़ेगा कि हमें याद रखने पड़ेंगे कि कितने पैसे हैं, नहीं तो हमें निकालने से पहले ज़रूर चेक करना होगा कि हमारे अकाउंट में कितने बैलेंस है। अगर आपने नहीं किया और आपने ज़्यादा अमाउंट भरा तो आपके 20 रुपये प्लस GST यहाँ पे कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है। तो यही थी हमारी आज की ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी मज़ेदार या ऐसी ही वीडियोस को जानने के लिए, ठीक है, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें आपके लिए कुछ हेल्पफुल मिल जाए। बाकी मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।